थी। संघर्ष ज्यादा क्या बैठते हैं, हमारे जो लोग अरेस्टेड है सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को ईडी के दफ्तर जाने का फैसला किया था, हालांकि ईडी की तरफ से उन्हें पेशी के लिए नोटिस नहीं दिया गया था। शरद पवार का कहना है कि बैंक घोटाले में एफआईआर दर्ज के खिलाफ ईडी दफ्तर अपना पक्ष रखने जाएंगे, मगर ईडी ने दफ्तर आने की इजाजत नहीं दी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे ने शरद पवार से मुलाकात की और ईडी दफ्तर न जाने की अपील की। शरद पवार को विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। शरद पवार के पेशी के पहले ही ईडी कार्यालय के बाहर उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं। ईडी दफ्तर के आसपास धारा 144 भी लगा दी गई है। वहीं मुंब्रा से भी ईडी दफ्तर जाने के लिए एनसीपी के कलवा मुंब्रा अध्यक्ष शमीम खान अपने कार्यकर्ताओं के साथ तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान मुंब्रा पुलिस ने एनसीपी कार्यालय से शमीम खान सहित उनके कार्यकर्ताओं को पकड़कर मुंब्रा पुलिस स्टेशन ले गई। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने एनसीपी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। किस तरह से मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाहर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, हम उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। और कलवा मुंब्रा अध्यक्ष शमीम खान से हमारे संवाददाता रहमान शेख ने क्या बातचीत की है वो भी आपको सुनाते हैं। शमीम भाई, आप ईडी कार्यालय पर जाने वाले थे, तो आप उधर जाने से पहले आपको पुलिस ने क्यों गिरफ्तार कर लिया? आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, नगर सेवक, नगर सेविकाएं, हमारी संगठन की तरफ से हम तमाम लोग 30 बस को भर के हम लोग मुंबई ईडी ऑफिस जा रहे थे, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा ऑफिस के बाहर हमें अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तकरीबन हमारे 55 साथियों को मुंब्रा पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया और अभी रिहा किया। आप देख सकते हैं, तकरीबन 400 से 500 हमारे कार्यकर्ता आज शरद चंद्र जी पवार साहब के साथ ईडी ऑफिस जाना चाहते थे। सिर्फ मुंब्रा कोसा ही नहीं, आज महाराष्ट्र के कोने से लोग निकल चुके हैं ईडी ऑफिस के लिए। कोई ट्रैफिक में है, कोई पुलिस स्टेशन में है, कोई रेलवे स्टेशन पे है। ये हमारे नेता की मोहब्बत है। और आज जो हमारे नेता के साथ आज जिस तरीके से वो ईडी ऑफिस जा रहे थे, उनका हमारा एक ही बात कहना है कि आज महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से ये उनको इस बात का एहसास हुआ कि ग्रामीण के अंदर जो ताकत बढ़ रही थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, शरद चंद्र जी पवार साहब ने वहाँ पे जो किसानों के लिए काम किया है, जो गरीबों के लिए मेहनत किया है, जो वहाँ पे लोगों को इंसाफ दिलाया महाराष्ट्र के अंदर, आज वो एक एक आवाज़ शरद चंद्र जी पवार साहब बन के खड़ी हुई है। हम एक बात और कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि शरद चंद्र जी पवार साहब का कोई उस बैंक के साथ में कोई भी उनका मामला नहीं था। उस बैंक से उनका कोई भी, वो कोई उसके डायरेक्टर नहीं थे, उस बैंक से कोई उनका कंसल्ट नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान के बड़े लीडर हैं, उनको उनके नाम को खराब करने के लिए, राष्ट्रवादी पार्टी को दबाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। इधर मुंब्रा से एनसीपी के जो मतलब कोई कार्यकर्ता वगैरह कुछ ईडी पे कार्यालय पे कोई गया हुआ है इधर से? हम लोग जा रहे थे, हमें रोक दिया गया। आपके सिवा और कोई लोग भी? देखिए, बहुत सारे लोग गए हैं एनसीपी से, हमारे बहुत सारे लोग चले गए हैं, हम लोग भी जाने की तैयारी में थे लेकिन हम लोग पहुंच नहीं सके। लेकिन आज पवार साहब जाएंगे, उसके बाद क्या होता है उसको देखेंगे हम लोग। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर हमारे लीडर को ज़बरदस्ती परेशान किया गया, उनके नाम को कि उन लोग लगे हैं उनके नाम को कहीं ना कहीं से इनके नाम के ऊपर एक एलिगेशन आएगा तो ये कमज़ोर होंगे, लेकिन हम सब एक ताकत के साथ में खड़े हैं और माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब के साथ में खड़े हैं। अगर हमारे नेता के बाल को भी यहाँ चाहा तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। आज तो टेलर था, आगे हम लोग पूरी ताकत के साथ जेल भरो आंदोलन भी करेंगे और मुंब्रा कलवा शहर बंद भी कराएंगे। आज जो अपना पुलिस ने आप लोगों को जो गिरफ्तार किया, इसके ऊपर
नहीं, पुलिस जो सबसे बड़ी बात कर दूं कि देश के प्रधानमंत्री 56 इंच सीने की बात करते हैं और आज देसी के एक नेता से डरे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डरे हुए हैं। शरद पवार जी सिर्फ महाराष्ट्र के लीडर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं और जिस तरीके से इस देश के अंदर आज सियासत हो रही है एक सेकुलर लीडर, जो बड़े लीडर उनको दबाने की, आप उस चीज़ को देखिए और महाराष्ट्र के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूँकि महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार जी इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन को देखते हुए आचार संहिता लगी हुई है, आप ईडी के पास उनको बुला रहे हैं, पूरे कार्यकर्ता बहुत गर्म है, महाराष्ट्र का वातावरण बहुत खराब हो रहा है और जिस तरीके से आप देखिए पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई में 144 लगाया गया है, जगह जगह लोगों को रोका जा रहा है, अगर कुछ होता है कार्यकर्ता भड़कते हैं, कोई हंगामा होता है तो इसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र की सरकार होगी। बड़ी संख्या में एनसीपी के कार्यकर्ता महिलाएं और पुरुष सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एनसीपी कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ईडी का इस्तेमाल कर शरद पवार पर FIR दर्ज कराया गया है, इसके खिलाफ जगह जगह एनसीपी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।